नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं दर्शन नगर सूरज कुंड पर, और सूरज कुंड जो कि बन रहा है अभी 90% काम यहां पर पूरा हो गया है। काफ़ी सुंदर बन रहा है सूरज कुंड। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कुछ सामान भी बिखर रहा है, क्योंकि बन रहा है तो कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ है। यहाँ से आपको हम सूरज कुंड दिखाते हैं, कितना सुंदर नज़ारा सामने से देखने को मिल रहा है। आप दूर तक नज़र डालिए, जहाँ भी आप देखेंगे गेट की तरफ देखिए, और लास्ट में देखिए दीवार कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अभी हम सूरज कुंड के बरगद के नीचे हैं, जो कि बहुत ही पुराना बड़ा पेड़ है। अभी आपको हम दिखाते हैं ये सूरज कुंड में जो काम चल रहा है, यहाँ पर लेज़र लाइट का भी प्रोग्राम होने वाला है, जिसकी सेटिंग अभी की जा रही है। सामने आप देखेंगे तो बीच में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पानी का फुव्वारा चलेगा, और जो कि शाम के टाइम देखने में बहुत अच्छा लगता है। यही है सूरज कुंड का प्राचीन मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर। आप जब भी यहाँ पर आए, यहाँ आशीर्वाद जरूर लीजिए। सूरज कुंड के दर्शन के बगैर अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, आप जब भी अयोध्या आते हैं, अयोध्या राम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है दर्शन नगर सूर्य कुंड का ये मंदिर। सूरज कुंड के इस मंदिर और सूरज कुंड का महत्व आपको हम बता देते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सूरज कुंड का महत्व भी जान लेना जरूरी है। सूर्य कुंड पर राम राज अभिषेक के समय सूर्य देव की धरती के अवतरण की जो कहानी है, माना जाता है यह वही स्थान है जहां सूर्य देव आकर रुके थे। आप जब भी अयोध्या घूमने के लिए आ रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में सूरज कुंड के इस स्थान पर आप जरूर आएं और सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। चलिए आपको यहां के बारे में और कुछ बताते हैं। दोस्तों यहां से जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम पूरा नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जल्दी यहां पर पूजन अर्चन का कार्य भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 90% का कार्य यहां पूरा हो चुका है। और होली के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी भी उद्घाटन हो सकता है। यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत ही मन को शांति देने वाला स्थान है। दोस्तों यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही है इसके अंदर। दोस्तों यदि आप यहाँ पर बहुत सुबह सुबह या शाम के समय आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अंधेरा जब हो जाता है तो यहाँ की जो लाइटिंग है वह देखने में बहुत सुंदर लगती है। देखिए जिस तरीके से ये लाइट है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर आग जल रही है। और यहाँ की सभी लाइट को आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी है और बहुत सुंदर दिखती है। दोस्तों जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अयोध्या की ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। कहां कहां से लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज़ टीवी।